आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे सशक्त साधकों में से एक पंडित सत्यशील देश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत विनम्रता से स्वागत कर रहा हूं आपका। नमस्कार। तो पंडित जी, पहला सवाल तो बहुत स्वाभाविक तौर पर यही है कि बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे नृतक आप जो घरानों से आते हैं वो कहते हैं कि म्यूजिक हैपेंड टू मी, मुझसे मुझे संगीत हो गया, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, अपने आप हो गया। आपके साथ क्या हुआ, क्या प्रयास करने पड़े बचपन में, या बचपन में जिस तरह घर का माहौल था संगीत खुद ब खुद आपके अंदर आ गया? नहीं, मुझे चाइल्ड प्रोडिजी कहा जाता था। जी मतलब मेरी उम्र के 11-12 साल में कुमार जी मुझे अपने साथ उनके कार्यक्रम प्रस्तुति की एक यात्रा में ले चले थे, नागपुर, रीवा, भोपाल। और उनके पहले मैं गाता था, जी तो संगीत तो था घर के वातावरण में, पर मैंने सीखना भी 8-10 साल की उम्र से शुरू किया था। तो ये तो एक एप्टीट्यूड टेस्ट से ही पता चलता है ना, किसी बच्चे में चित्रकारिता का गुण होता है, किसी में संगीत का गुण होता है। पर फिर बाद में सीखना तो जरूर पड़ा, वो पर्याप्त नहीं रहा, क्योंकि जो होता है, जो जो हुआ होगा वो ठीक हुआ होगा ये कोई बता नहीं सकता है ना, वो गुरु ही बता सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अच्छा पंडित जी, एक चीज और जानना चाहेंगे। मैं ये सवाल मैं मधुब जी से भी पूछ रहा था, और जिस तरह के इस तरह के कलाकारों से जब भी मिलने का सौभाग्य होता है तो जरूर मैं पूछता हूँ कि एक तो बचपन है जहां पर गुरु हैं, वो गुरु आपके पिता भी हो सकते हैं, कोई बाहर का आदमी भी हो सकता है, लेकिन एक वो माहौल जो इतना स्वस्थ माहौल है, जहाँ पिता तो वही है जो संगीत के बहुत बड़े अध्येता है, उनके अलावा तमाम बड़े कलाकारों का आना जाना है, तमाम बड़े कलाकारों का आशीर्वाद मिलना है, तमाम बड़े कलाकारों को बचपन से देखने और सुनने का मौका आमने सामने मिल रहा है, वो कितना अलग होता है? नहीं, उसका निश्चित ही बहुत उपयोग होता है, जी क्योंकि विद्यालय शिक्षा पद्धति में वो माहौल नहीं मिलता है, खाली नीरा व्याकरण मिलता है। और वो संगीत को समझने का एक संपूर्ण पर्सपेक्टिव नहीं है, परिप्रेक्ष्य नहीं है। गायक लोग उस व्याकरण को लेके उसका कला में रूपांतर कैसा करते हैं, इसके साक्षात उदाहरण जब प्राप्त होते हैं तो आदमी फिर गवैया बनने की दिशा से अपना मार्ग क्रमण शुरू करता है, नहीं तो वह व्याकरण पटु हो जगह रह जाएगा। क्योंकि बगैर गाए भी आप उत्तीर्ण हो सकते हैं संगीत की परीक्षाओं में, विद्यालयीन परीक्षाएं। क्योंकि हमारे संगीत में जहां व्याकरण को ही कला के गूढ़रम्य प्रदेशों की सीमा सटी हुई है, वो उससे दूर नहीं है। जैसे ट्रेडिशनल पेंटिंग और मॉडर्न पेंटिंग में जो फर्क है, क्या आप जैसे रवि वर्मा जैसे आपके हस्त रेशाएं आपकी आपका रियाज हो तो आप हुसैन जैसे मॉडर्न पेंटिंग नहीं कर पाएंगे। पर यह द्वंद्व संगीत में नहीं है। संगीत में व्याकरण को, मतलब कुमार गंधर्व भी हो तो उन्होंने जो प्रयोग किए वो व्याकरण के सीमा को सटे हुए ही रहते हुए ही किए हैं। तो ये कलाकारों का माहौल मिलना बहुत जरूरी है। आपके बचपन की कोई ऐसी घटना जो आपको याद आती हो, जब आपको सौभाग्य मिला हो, आप छोटे रहे हो, मतलब 7, 8, 9, 10, 11, 12 साल के, और किसी बहुत बड़े कलाकार के सामने बैठ के सुनाने का कुछ मौका मिला हो, और फिर कुछ उनसे उस उम्र में आशीर्वाद मिला हो, कोई ऐसी घटना? नहीं, एक घटना अभी तुरंत याद आ रही है। वो केसरीबाई केरकर का प्रोग्राम था और मुझे गाने की सूझबूझ थी, तो मैं एकदम स्टेज को चिपके हुए बैठा था और मैं इतने समझदारी से दाद दे रहा था कि उनको इरिटेशन होने लगी उसकी, क्योंकि थोड़ा शो ऑफ एलिमेंट था ना बचपन में जो होता है कुछ लोगों में, मतलब उनका जैसे शैशव उनका एक जरूरी होता है ना कलाकार के लिए, वो शो ऑफ का एलिमेंट 75 के हो गए तो भी रहता है कलाकारों में, पर मेरा 12-15 के साल के बाद ख़त्म हुआ तो उनको इरिटेशन। तो इन्होंने पूछा ये कौन है, तो फिर लोगों ने कहा वामनराव जी का बेटा है, तो उन्होंने कहा इसको अच्छी तालीम दो और तमीज भी सिखाओ साथ में। तो ये एक घटना रही बड़ी मजेदार। तो उस दिन पिताजी से तो डांट नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने पूछा तो आपके पिताजी का नाम बता दिया गया, ऐसा तो नहीं घर आके डांट पड़ी हो? नहीं, उनका डांटने का स्वभाव नहीं था। थोड़ी सी बात आपके पिताजी की और भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतने महान अध्येता रहे वामन जी, आप
उनकी जो उन अच्छा उन्होंने खुद भी अलग अलग घरानों से बहुत सारी चीजें सीखी, मतलब उनके पास भी तमाम संगीत की, शास्त्रीय संगीत की गहरी समझ थी। उन्होंने आपको एक पिता के तौर पर कौन सी चीजें बताई शास्त्रीय संगीत के, मतलब एक राग सिखा देना, एक आलाप बता देना, सरगम ताने नहीं, संगीत के ग्रामर के लिहाज से क्या कुछ समझाया, क्या कुछ संस्कार के तौर पर समझाया जो आपको हमेशा याद रहता है? नहीं, मैं उनके सामने सीखने को नहीं बैठा, उन्होंने मुझे देवधर जी के पास भेजा सीखने के लिए। और देवधर जी के एक शिष्य थे श्यामराव गोपटे, उनसे जब मेरी 7-8 साल की उम्र थी तो उनसे मैं सीखा। पर घर के माहौल से मैंने बहुत कुछ सीखा, मैं उसी की मेरे बात पर जो कर पिताजी के रही हूँ। सही संस्कार, पिताजी से मैंने जयपुर घराने की बंदिशें भी सीखी, क्योंकि इन दिनों उनकी तालीम मोगूबाई कुर्डीकर, किशोरी जी की माँ, और किशोरी जी का भी आना जाना घर में था, भीमसेन जोशी घर में ठहरते थे। तो उस उन दिनों वो उनकी घरानेदार गायकी यहाँ किताब लिख रहे थे, तो उसके लिए कई गवैये हमारे घर में आके ठहरते थे और उनकी बहस होती थी कि क्या सही है क्या नहीं है। जैसे मंसूर जी कहते थे कि जैत कल्याण ऐसे गाना चाहिए, तो मोगूबाई कहते थे नहीं ये गलत है, ये ऐसे एक बंदिश है। पर ये सब जो बहस होती थी वो गा करके होती, तो ये गायन के संस्कार मुझ पर हुए। और उसमें जो सत्य मुझे प्रतीत हुआ उस छोटी सी उम्र में ये था कि एक बंदिश मालकोस में होती है या जैत कल्याण में होती है, पर पूरा मालकोस उसी बंदिश में नहीं होता है। वो मालकोस को जब अलग अलग घराने और अलग अलग प्रतिभाएं खोलती है, क्योंकि यह संगीत भारत के 2/3 हिस्सों में गाया गया है, हर एक जगह का भौगोलिक सांस्कृतिक मिजाज अलग होता है, उससे वो राग को, वो जो बंदिश में जो छुपा हुआ राज है वो खोलने की प्रक्रियाएं अलग अलग होती है। अभी वही मालकोस अमेरिका कैसा उसको खोलेंगे, जैसे एक बीच को पनपाते हैं वो कैसे पन पाएंगे, और हमारे जयपुर घराने के लोग कैसे पन पाएंगे। तो इसीलिए मालकों से कोई भी एक राग आपको समझना है तो अलग अलग घरानों द्वारा उसका परिशीलन और उसका उसकी अभिव्यक्ति कैसी हुई है ये समझना जरूरी है। ये पिताजी की तालीम थी, ये पिताजी के तालीम का मैसेज था, मोराल था, और ये बहुत महत्वपूर्ण था। बाद में आप 70 के दशक में कुमार जी के शिष्य हुए, और कुमार जी, संभवतः कुमार जी ये कहते भी थे कि किसी एक राग को देखना हो तो किसी एक नजरिए से मत देखिए, बल्कि 360 डिग्री से देखिए। तो वही बात आप हाँ कह रहे हैं। हाँ पर सबसे बड़ा पिताजी का फायदा ये था कि एक उनका उदारमतवादी और सर्वसमावेशी दृष्टिकोण। उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि उन्होंने एक घराने के नियम में मुझे कभी नहीं डाला। एक्चुअली मेरा यह अनुभव रहा है कि जो जिनको मतलब इतने बचपन में संगीत का करियर बनाना है, ये आदर्श शिष्यों के सामने, साधक के सामने रखना ही नहीं चाहिए। उसको संगीत का विषय समझना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, कि इसमें अपने को जिस भी लेवल पर अपना एक खुद को अंडर एस्टिमेट करके परफॉर्मर बनना है, ये गलत आदर्श है। समझ बढ़नी चाहिए, संगीत समझना चाहिए, फिर उसको स्वयं गाना ये दूसरी स्टेज है। समझ तो आनी चाहिए कि क्या संगीत है। लोग क्या करते हैं, जितना खुद को हासिल होता है उसी को संगीत कहते हैं, ये गलत बात है। ये पिताजी का एक मैसेज था। जी, आपने भी कुछ देर पहले कुछ रागों के नाम लिए, जैत का नाम लिया, मालकौंस का नाम लिया, कुछ छोटा सा अगर आप हमें भी सुनाएं, अपने आपके पास हारमोनियम भी रखा हुआ है, जितना आपका आपका मन करे, जितना आपकी इच्छा करे। गमजानी गमदर्शनी जडूडे जब सबन
जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह सास ननद और सौतन को अब जरा छुट्टी पर भेजना चाहिए इन विषयों को, इसलिए और ये शब्द प्रधान गायकी तो है नहीं अभी, ये इसकी राग इसकी ये बंदिश की मैं बढ़त करूंगा तो मालका और स्वर वो तीन ताल है मेरे सामने, मैं मुखड़ा दोहराऊंगा वो इसलिए नहीं कि श्रोता मतिमंद है, वो मुखड़े के भीतर में राग का व्याकरण और कला पक्ष रच बस देता हूँ, यही तो गायक करता है। पर जाते जाते काव्य में कुछ यथार्थ हो तो वो अच्छा है, तो इसलिए काव्य है कि टूटे जब सपन जाना तब थे सपन, मतलब किसी भी सपने के लिए वो सपना है ये सिद्ध होने के लिए उसका टूटना अनिवार्य है, क्योंकि व्हेन यू आर ड्रीमिंग कि ये लाइव ड्रीम इज ऑन, ऐसा कोई मनपटल पर कैप्शन नहीं आता है टीवी की तरह, तो टूटे जब सपन जाना तब थे सपन। और अंतरे में कवि कहता है कि बिछुड़न या मिलन, मतलब एनी टू एक्सटेंड्स, सांच क्या क्या सपन, टूटे सो सपन, जो टूटता है उसे सपना मानो और आगे मार्ग क्रमण करो, ये एक अनआस्क्ड फॉर उपदेश भी है इसमें, जैसे दशरथ जी सबको जय हो आशीर्वाद देते थे आप मांगो या न मांगो, तो ऐसे मैंने भी उपदेश कर दिया है इसमें। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।